तो गाइज हमारी गाड़ी थोड़ी पुरानी हो चुकी है, इसलिए मैं सोच रहा था कि एक नई गाड़ी ले लूं। सुबह से बैठा हुआ हूँ लैपटॉप के सामने, ढूंढ रहा हूँ नया मॉडल, पर सच्ची कहूँ तो मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो चुका हूँ। तुम दोनों कुछ सजेशन तो दो। अरे मैं तो बोलता हूँ 10 सीटर ले लो। एक काम करते ना चौप, बस ही ले लेते हैं। 10 सीटर क्या होता है? अरे नहीं फ्रैंकलिन भैया, मैं तो बोलता हूँ 2 सीटर ही लो। नहीं यार शिनचैन, इससे पहले हमने एक बार 2 सीटर ली हुई है, मुझे फैमिली कार चाहिए। अरे तो इतना दिमाग खराब क्यों कर रही हो, सीधा साइमन भैया को कॉल करो ना, उनके पास कोई नया मॉडल आया होगा। अबे हाँ यार, ये बात तो सही है तेरी। चलो गाइस जल्दी से फोन करते हैं। हेलो साइमन। अरे फ्रैंकलिन, मैं तुम्हें ही कॉल करने वाला था, अच्छा हुआ तुमने फोन किया। क्यों, ऐसा क्या हो गया? अरे मेरा पास एक मस्त सूट आया है, मैंने सोचा किसी और को देने से अच्छा तुम्हें ही दे देता हूँ। क्या बात कर रहा है, अच्छा ठीक है रुक मैं वहाँ पर आता हूँ। शिनचैन चौप मेरी बात सुनो, मैं जा रहा हूँ साइमन के पास क्योंकि उसके पास एक मस्त सूट आया है, अब मुझे वो सूट चाहिए। तुम दोनों यहीं पर रहना, घर का ध्यान रखना और ज्यादा मस्ती मत करना, और खास करके मेरे लैपटॉप से दूर रहना। चलो गाइस अब चलते हैं यहाँ से, मुझे देखना है वो सूट कैसा होगा। एक तो मैं घाई घाई में पूछना भी भूल गया कि वो सूट है किसका। चलो ये भी अच्छी बात है, एक्साइटमेंट तो बनी रहेगी। मुझे तो डर है कि वो सूट महंगा ना हो, वरना हमारे गाड़ी का बजट हिल जाएगा। तो चलो बिना किसी देरी के भगाते हैं गाड़ी को। चलो हम लोग पहुंच गए इसके डीलरशिप, और वो रहा साइमन। जल्दी से गाड़ी को रोकते हैं और उतरते हैं यहाँ पर। ये ले मेरे भाई, मैं आ चुका हूँ। एक मिनट, अबे ये जगह तो खाली है, यहाँ तो कोई भी सूट नहीं है। तू मुझे उल्लू बना रहा था, सच्ची बता यार क्यों बुलाया है? अरे यार मैं तुम्हें उल्लू क्यों बनाऊंगा, वो सूट है मेरे पास पर मैंने उसे बाहर नहीं रखा, वरना वो चोरी हो जाता, इसलिए उसको शोरूम के अंदर रखा है। अब समझा तो मेरी बात? अरे तो मेरा मुंह क्या देख रहा है, जल्दी से चलना मुझे बता। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो मेरे पीछे पीछे आ जाओ, मैं तुम्हें वो सूट बताता हूँ, जरा यहाँ पर नजर डालो। यह सूट है मिक्की माउस का, है क्या नहीं बढ़िया, कैसा लगा? अब जल्दी से ले लो इससे पहले कोई और ले ले। एक मिक्की माउस का सूट लेने के लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया? थोड़ा बहुत है के नहीं ऊपर के भूसा ही भरा है। अरे नहीं नहीं तुम गलत समझ रहे हो, ये एक बेसिक लेवल का सूट है, मैं बोल रहा हूँ तुम इसे ले लो, तुम्हारा फायदा होगा, वरना मैं किसी और को भी दे सकता हूँ। नहीं नहीं ब्रेंडे, आ गया हो तो ले ही लेता हूँ। चलो गाइज जाके वो सूट पहनते हैं, और इसको पहन के मैं करूंगा क्या, बच्चों के बर्थडे पार्टी में डांस। तो गाइज हमने सूट पहन लिया है, अब निकलने की बारी है। अबे यार मेरा फोटो लेना बंद करो, इतना भी स्मार्ट नहीं हूँ मैं। कैमरा रख। ये ले साइमन मैंने पहन लिया है, अब बता क्या करना है। मैं मानता हूँ कि यह सूट थोड़ा बेसिक लेवल का है, पर तुम इसे अपग्रेड कर सकते हो, उसके लिए तुम्हें थोड़े पैसे लगेंगे। हाँ तो ये पहले बताना चाहिए ना। छोड़ मैं जा रहा हूँ यहाँ से। गाइज फटाफट निकलते हैं, अब मिक्की माउस का सूट अपग्रेड हो के भी कितना ही हो जाएगा, फिर भी मुझे देखना है। तो पैसे कमाने के लिए क्या किया जाए, वैसे तो ये शहर इतना बड़ा है तो अपॉर्चुनिटी भी बहुत सारी होगी। एक मिनट, वो क्या है सामने, अलग सी चीज लग रही है। चलो जाकर देख ही लेते हैं, वहाँ पर एक अंकल खड़े, उनसे पूछ लेते हैं। भैया जी जरा आप हमें बताएंगे कि आपने सर्कल पे इतनी सारी बॉल लगा के क्यों रखी है, कोई गेम वेम है क्या? हाँ तुम एकदम सही कह रहे हो, ये गेम है, तुम्हें उस सर्कल पर बॉल दिखाई दे रही है, उन सबको जो भी एक बार में फोड़ लेगा उसे इनाम मिलेगा $100 का। क्या बात कर रहे हो, $100 का, फिर तो ये सारी बॉल मैं फोड़ सकता हूँ। तुम्हें ये सारी की सारी बॉल मेरे दी हुई गन से फोड़नी पड़ेंगी, जिसमें के प्लास्टिक की गोलियां होती है, तुम्हें हर एक बॉल के लिए एक ही गोली मिलेगी। अगर तुम जीत गए तो तुम्हें $100 मिलेंगे, और अगर हार गए तो तुम्हें $100 देने पड़ेंगे। अच्छा ठीक है, आप बस मुझे गन दे दो। अच्छा ठीक है ये लो। चलो गाइस गन मिल चुकी है, देखो इसमें प्लास्टिक की गोलियां है, मतलब कि इतनी हैवी तो होंगी नहीं। तो जल्दी से शुरू करते हैं गाइस। चलो ये गई पहली, आराम से ये गई दूसरी भाई साहब, और ये गई तीसरी, अभी तक तो हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये गई चौथी, ये गई पांचवी, ये छठवी, ये सातवी, बस एक आखिरी बची है, ये भी चली जाए और ये खत्म। गाइस हमने कर दिखाया, क्या बात है यार। चलो 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 जल्दी से मेरा इनाम लाओ। वाह वाह वाह, तुमने कमाल कर दिया, आज तक इतना अच्छा निशाना किसी ने नहीं लगाया, तुम पहले हो जो मुझसे पैसे लेकर जाओगे, ये लो तुम्हारे $100। अरे बहुत बहुत शुक्रिया, वैसे मैं बच्चा नहीं हूँ। चलो छोड़ो जाने दो, क्या ही फर्क पड़ता है, मैं जाता हूँ गाइस यहाँ से। अबे यार पहले सूट को तो अपग्रेड कर ले, $100 में सस्ता वस्ता अपग्रेड तो मिल ही जाएगा। तो 1 2 3 बूम। ये एक शेफ मिकी माउस। भाई साहब ये कोई ज्यादा खास अपग्रेड नहीं है,
पर गाइस, इससे मुझे पैसे कैसे कमाने हैं? ये इस सूट ने ही मुझे बता दिया। तो चलो प्लान पर काम किया जाए। सबसे पहले हमें ढूंढनी होगी एक काट, और मुझे पता है वो मुझे कहाँ मिलेगी। तो गाइज ये कार्ट मैंने थोड़े टाइम के लिए खरीद ली है, जिसका पैसा मैं इससे ही कमा के उसे वापस दे दूंगा बाद में। अब जाके हॉट डॉग बनाना शुरू करते हैं। एक शेफ जैसे दिखने वाले मिक्की माउस के पास तो कोई भी आके खा लेगा। काश के मेरा सोचा हुआ सच हो। अब काम पे लगने की बारी है गाइज। सुनो, यहाँ पर टेस्टी टेस्टी हॉट डॉग मिलते हैं। चीज हॉट डॉग, तंदूरी हॉट डॉग, जैसा आप चाहो। देखते कोई आता है कि नहीं। अरे यार बहुत भूख लगी है। वाह क्या बात है, हॉट डॉग ये तो मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ पर तो बनाने के लिए एक शेफ भी है, मतलब ये अच्छा ही बनाता होगा। जरा सुनिए ना, मुझे एक हॉट डॉग चाहिए, प्लीज जल्दी से दे दीजिए। हाँ बस दो मिनट, मैं गरम करने ही रख रहा हूँ। अरे मेरी मूवी का टाइम हो जाएगा। अरे थोड़ी देर में मिल जाएगा। अरे यार भूख लगी है। ओ वाओ हॉट डॉग, चलो यही खा लेता हूँ। भैया जी मेरे लिए एक चीज हॉट डॉग लगा देना। गाइज एक और कस्टमर आ गया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर इतने फटाफट क्यों आ रहे कस्टमर। मैंने ये जगह खोली है मूवी थिएटर के बाहर, और आपको तो पता ही होगा लोगों को मूवी के अंदर जाने से पहले और आने के बाद भी बहुत भूख लगती है। तो अब हमारे पास कस्टमर की कमी नहीं है, बस टाइम की है। तो हमें जल्दी जल्दी बनाना पड़ेगा। ओ भाई साहब, सबको सर्व करते करते काफी टाइम निकल गया, और उसी के साथ हमने कमा लिए है पूरे $1,000। चलो काफी मेहनत कर ली, अब मेहनत का फल देखते हैं $1,000 में कौन सा सूट मिलता है। तो 1, 2, 3, एक आइस मिक्की माउस। इसके तो दांत की जगह भी बर्फ लगा हुआ है एक जगह। देख रहे हो कैसे लटक रहा है मुंह से और कान से भी। अब हमें इसको भी अपग्रेड करना है। जाकर देखते हैं कि पैसे कैसे कमाए जाए। कभी कभी तो ये सब बहुत ज्यादा मुश्किल लगने लगता है, पर फिर सोचता हूँ ठीक है। अभी ये धमाके की आवाज कहाँ से आ रही है? ओ भाई साहब, गाइस जरा यहाँ तो देखो, भयंकर आग लगी हुई है। और ये लोग क्यों जमा है, कहीं कोई खतरे में तो नहीं है? वहाँ आगे एक आदमी सर पर हाथ देकर रो रहा है। इनसे जाके पूछ लेता हूँ। अरे भैया क्या हो गया, इतनी टेंशन में क्यों चल रहे हो? ये मेरा ही घर है, मुझे दुख इस बात का नहीं कि इसमें आग लग गई, पर मेरी बीबी अंदर फंसी हुई है और कोई उसकी मदद नहीं कर रहा। अरे रोना बंद करो, मैं हूँ ना। तुम पक्का उसे बचा लोगे? अगर तुमने ऐसा कर लिया तो मैं तुम्हारा एहसान मंद रहूंगा। हाँ मैं बचाता हूँ। गाइस देखो हमें अंदर जाना होगा, ये रहा दरवाजा, जल्दी से खोलते हैं। अबे नहीं ये तो लॉक है, नहीं खुल रहा है इसे। क्या करूं समझ नहीं आ रहा। अबे मैं एक आइस मिक्की माउस हूँ, मैं अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ। चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं हम। वो हो आइस स्पाइक, गाइस इससे हम लोग आग बुझा सकते हैं। हमें चारों बाजू बस बर्फ ही बर्फ फैलानी है। धीरे धीरे आग बुझ रही है, चलो बाहर की आग तो बुझ जाएगी। गाइस यहाँ का मामला तो क्लियर हो गया, अब हम लोग यहाँ से जा सकते हैं। चलो बस अंदर घुसना है। यहाँ पर भी है गाइस, यहाँ का मामला भी निपटाना पड़ेगा। चलो करते हैं शुरू। अबे यार ये टेबल फिसल के चला गया बर्फ की वजह से। चलो यहाँ का भी हो गया है। अब बस गाइस यहाँ की आग बची है, ये मैं अगर बुझा दूँ तो पूरा घर शांत हो जाएगा, मतलब कि पूरे घर की आग बुझ जाएगी और फिर खतरा टल सकता है। चलो मुझे तो डर लग रहा है उस दीदी के लिए। चलो यहाँ का काम हो गया। दीदी यहाँ कहीं तो दिखाई नहीं दे रही, हमें ऊपर की साइड जाकर देखना चाहिए। गाइस हम तो एक बर्फ की स्लाइड भी बना सकते हैं। भाई साहब एक मिनट, वो रही दीदी, इनकी हालत खराब लग रही है। चिंता मत करिए आप, अभी ठीक है, मैंने आग बुझा दी है, आपको कुछ भी नहीं होगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे तो लगा था मैं नहीं बचूंगी। अरे ऐसे कैसे नहीं बचोगी, मैं हूँ ना। चलो मेरे पीछे पीछे आ जाओ, आपका पति आपका इंतजार कर रहा है। कहाँ पर है वो, उसे कुछ हुआ तो नहीं? अरे नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। ये लो भाई साहब आपकी बीबी एकदम सही सलामत है, और आपका घर भी, बस थोड़ी बहुत चीजें जल गई है, पर खुशी की बात ये है कि किसी को कुछ हुआ नहीं। तुमने कमाल कर दिया, तुम ये रखो, मेरे पास फिलहाल इतनी ही सेविंग है, मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, प्लीज मना मत करना। पूरे $1,00,000, आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? नहीं तुम रखो। अच्छा ठीक है, चलो गाइस ये तो जिद पर ही आ गया है, वैसे हमारे लिए भी अच्छा है, वो तो मालदार पार्टी लग रही थी, मदद करने के लिए $1,00,000 दे दिया। अब देखते हैं गाइस $1,00,000 में कौन सा सूट मिलता है। तो 1, 2, 3, एक ज़ॉम्बी मिकी माउस। एक मिनट, ये मेरी आवाज को क्या हुआ, मैं तो ठीक से चल भी नहीं पा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है सबको खत्म कर दूँ। क्या हो गया है मुझे, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, कुछ तो खाना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, ये दीदी को खा लेता हूँ। वाह क्या बात है, मुझे अच्छा लग रहा है, थोड़े बहुत और लोगों को खा लेता हूँ, ये भी बड़ा टेस्टी था। मुझे बस बुरा काम करने का ख्याल आ रहा है, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। पता नहीं क्यों मुझे लगता है ये सभी सूट के वजह से हो रहा है। तुम सब मरोगे, बनोगे मिक्की माउस का शिकार।
और कोई है यहाँ पर? सब भाग रहे हैं। मुझे लगता है जल्दी जल्दी निपटाना पड़ेगा, मेरी भूख तो बढ़ रही है, मुझे और लोग खाने पड़ेंगे। एक काम करता हूँ, इसको भी खा लेता हूँ, मजा आ गया। ऐसे तो ये लोग भाग जाएंगे, एक साथ खाना पड़ेगा। कहाँ जाओगे? आओ यहाँ मेरे पेट में। ये हुई ना बात, कोई नहीं बचेगा, सबको खत्म कर दूंगा मैं, तुम सब मेरा शिकार हो। अरे बाप रे, ये क्या, एक मिक्की माउस और वो भी लोगों को खा रहा है। मुझे लगता है एक ज़ॉम्बी मिक्की माउस है, हमें जल्दी से जल्दी जाकर इसे रोकना होगा। तुम देख रहे हो ये कितनी तबाही मचा रहा है, ये तो बहुत बुरा हो रहा है। हल्क मेरी बात सुनो, तुम्हें जाके इसे रोकना होगा, वरना बहुत कुछ हो सकता है, ये पूरे शहर को बर्बाद कर सकता है। तुम चिंता मत करो, हल्क उसकी चटनी बना देगा, हल्क किसी को नुकसान पहुंचने नहीं देगा। देखो जो करना है जल्दी करो, तुम्हें तुरंत निकलना चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। उस मिक्की माउस के बच्चे को मैं छोड़ूंगा नहीं, उसने मेरे शहर में कदम रखने की गलती कैसे की? वो मिक्की माउस का नाम खराब कर रहा है, इतने अच्छे कैरेक्टर को बदनाम करके रख दिया। मुझे मिक्की माउस बहुत पसंद था। आओ आओ, कहाँ भाग रहे हो? रुक जाओ ज़ॉम्बी मिक्की माउस, ये लो। ये क्या कर रहे हो तुम? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे हल्क, ये मैं हूँ फ्रैंकलिन। मुझे उल्लू बनाना बंद करो, मुझे पता है फ्रैंकलिन कैसा दिखता है, तुम्हारी तो आवाज भी उसके जैसी नहीं है। अरे यार ये तो मान ही नहीं रहा, मुझे लगता है इसे रोकना होगा, वरना ये मुझे खत्म कर देगा। मुझसे दूरी रहो। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मुझे मजबूर मत करो, ये लो और ये खाओ, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता, तुम मेरे दोस्त हो। तुम मेरे दोस्त नहीं हो, ये बोलना बंद करो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम मान नहीं रहे, मुझे तुम्हें रोकना ही होगा। अब घूमते रहो, तुम्हारी सारी एनर्जी चली जाएगी। हल्क तुम्हें छोड़ेगा नहीं, हल्क को गुस्सा आ रहा है। ये लो, तुम बहुत गलत कर रहे हो। मैंने कहा मैं तुम्हारा दोस्त फ्रैंकलिन हूँ। मैं नहीं मानता, नहीं मानूंगा। तो फिर तुम मरोगे, क्योंकि मैं अपनी जान रिस्क में नहीं डालने वाला। मैं नहीं, तुम मरोगे, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। अब ये लो, अब हल्क तुम्हें बताएगा कि हल्क क्या चीज है। यहाँ पर आओ, अब जाओ यहाँ से। तुम तो गए मिक्की माउस। हल्क से पंगा, बहुत भारी पड़ता है। ये क्या हो गया? रुक जाओ हल्क, मेरी ताकत जा रही है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं कमजोर हो चुका हूँ। गाइस ये क्या हो गया, हमारा सूट गायब हो चुका है, लगता है उसकी पावर चली गई थी इसलिए। देखा हल्क, मैंने कहा था ना मैं फ्रैंकलिन हूँ। सॉरी फ्रैंकलिन, मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं पता था तुम ऐसा करोगे। अरे मैंने नहीं किया, वो उस सूट के वजह से हो रहा था। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। चलो गाइस यार, बार बार बचे, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक करो, नहीं तो चैनल सब्सक्राइब करो। उसी के साथ हमें फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पर, आईडी स्क्रीन पर आ रही होगी या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।